जारी जंग को एक महीना अब होने को है, लेकिन इस संघर्ष थमता हुआ यहां से भी दिखाई नहीं दे रहा। इन सब के बीच शुक्रवार को इजराइल के F-35 फाइटर जेट ने पहला शिकार कर लिया है। इजराइल के F-35 फाइटर जेट ने दुश्मन के क्रूज मिसाइल को मार गिराया। इसराइल हमास युद्ध में F-35 की एंट्री। एशिया में पहली बार एक्शन में F-35 फाइटर। स्वेज नहर में अमेरिका ने तैनात किया परमाणु पनडुब्बी। पश्चिम एशिया में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वो और भी खतरनाक होता जा रहा है। अब इस युद्ध में दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इसराइल की सेना का दावा है कि उसने यमन से दागी गई क्रूज मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया, जिसका वीडियो इसराइल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। वीडियो में क्रूज मिसाइल को आदिर फॉर्मेशन से F-35I पीछा करते हुए दिखाया गया। वीडियो को पोस्ट करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि दक्षिण पूर्व से इजरायली हवाई क्षेत्र की ओर लॉन्च किए गए एक क्रूज मिसाइल को F-35I फाइटर प्लेन ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। इजरायल की सेना का दावा है कि यमन से दागी गई क्रूज मिसाइल को एरो एरियल डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किया, जिसके बाद इजरायल की वायुसेना एक्शन में आई। उसने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज F-35I के जरिए इस क्रूज विमान को हवा में ही मार गिराया। मिलिट्री एयरफोर्स और ग्लोबल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कंपनी जेन्स ने बताया कि इजराइल ने पहली बार F-35I का इस्तेमाल युद्ध में किया है। इधर इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका की सेना ने बड़ा ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसने ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। अमेरिका हमेशा से अपने परमाणु पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफी खुफिया रखता है। ऐसे में अमेरिका के इस ऐलान ने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। अमेरिका के इस ऐलान से जहां इजराइल और सुरक्षित हो जाता है, वहीं इजराइल के दुश्मन और सावधान हो जाएंगे। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार CIA चीफ विलियम बोन्स इसराइल पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि बोन्स हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और बंधक लोगों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विलियम बोन्स को पश्चिम एशिया का अच्छा खासा अनुभव है। वो काफी समय तक इस इलाके में काम कर चुके हैं। अमेरिका ने पहले ही इसराइल की खुले तौर पर सहायता का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ की इसराइल यात्रा ने हमास के खिलाफ युद्ध को और ज्यादा तेज होने के संकेत दिए हैं। इसराइल शुरू से ही दो टूक कहता आ रहा है कि वो गाजा पट्टी से हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाला है। इसराइल के स्टेरोट शहर पर एंट्री पॉइंट पर ही बॉम्ब शेल्टर्स की शुरुआत हो जाती है। गाजा बॉर्डर से लगे इस शहर में सुरक्षा के लिए जगह जगह कंक्रीट के मजबूत बंकर तक बनाए गए हैं। बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पर स्थापित स्टेरोट शहर के एंट्री पॉइंट पे है, जो कि गाजा से नजदीक का एंट्री पॉइंट है। और जब आप एस्केलोन से आते हैं तो ये एंट्री पॉइंट पड़ता है। पीछे आप देख सकते हैं स्टेरोट, और स्टेरोट के एंट्री पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये शहर कुछ अलग है। बॉम्ब शेल्टर आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, एक बॉम्ब शेल्टर आपको दिख रहा है जहां मीडिया के लोग खड़े हैं, पुलिस के जवान खड़े हैं। दूसरा बॉम्ब शेल्टर आपको यहाँ दिखने को मिलेगा सामने में, देखिए ये सड़क के बगल में जहाँ मीडिया के लोग खड़े हैं। और उसके आगे भी एक और बॉम्ब शेल्टर है, वो भी कैमरे की नज़र से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
ये कुल 4 बॉम्ब शेल्टर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इधर करम आ जाइए, ये सामने में देखिए, सामने में तीसरा बॉम्ब शेल्टर जो सफेद, सामने में करम आपको जो दिखा रहे इस वक्त कैमरे पे दिख रहा है, और चौथा बॉम्ब शेल्टर करम सिंह के पीछे है, करम जी के पीछे है। ये एसडेरॉस शहर का एंट्री पॉइंट है, और चौथा बॉम्ब शेल्टर बस स्टैंड के पास इधर करम जी, ये चौथा बॉम्ब शेल्टर। तो जब आप एस्केलोन से आते हैं या गाजा की सीमा के नज़दीक हैं, वहाँ आपको 4 बॉम्ब शेल्टर देखने को मिल जाते हैं।